पहले बुद्ध पूर्णिमा का दिन गौतम बुद्धा का मेरा सौभाग्य है, मेरे भाई ने गौतम बुद्ध के धम्मपद को हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और बुद्ध पूर्णिमा का दिन और अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न बाबा साहब का अवार्ड, और वो भी किन के हाथों, भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के हाथों, ये मेरा सौभाग्य है। मैं इस कौन में चेयरमैन हूँ, महाराष्ट्र रत्न पहले मिल चुका है, बहुत कुछ मिल चुका है, ये एक जिम्मेवारी मिली है कि जो काम हम कर रहे हैं, इस कौन 13 लाख बच्चों को पर डे खाना खिलाता है, ये और आगे बढ़े। ये अवार्ड नहीं होता, ये एक जिम्मेवारी होती है। जितने अवार्ड मिलते हैं, मेरे छोटे भाई को पद्मश्री मिला 4 लाइन लिख के, जिम्मेवारी कितनी बड़ी। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमें सम्मान मिला है, इस सम्मान को और आगे बढ़ाएं और ज़्यादा सेवा करें। बुद्ध पूर्णिमा की सभी को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ऐसी कौन सी मतलब चीज़ों में आप काम करना चाह रहे हो आगे, जो आपके दिल के करीब, मतलब बहुत सारी है। देखिए, हमने महात्मा बुद्ध से क्या सीखा है, जितना छोड़ेंगे उतना ज़्यादा मिलता है। छोड़ना क्या है, घमंड छोड़ना है, लालच छोड़ना है, पब्लिक की सेवा करनी है, वो कर रहे हैं, वो और ज़्यादा 10 गुना 100 गुना बढ़े, ये एक हमारे को जिम्मेवारी ईश्वर की तरफ से मिली है, ये समाज ने जो दी है इसको बढ़ाने का काम करें। सर, एक लास्ट आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा लोगों को कि सेवा के लिए आगे आए? देखिए, भगवान बुद्ध ने सब कुछ छोड़ा और दुनिया को ये संदेश दिया कि बुराइयों को छोड़ना है, इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, और सबसे बड़ी जो चीज़ है श्रद्धा की। जितना ईश्वर के आदमी नज़दीक रहेगा, उतना ज़्यादा सेवा की तरफ बढ़ेगा, और किसकी तरफ बढ़ेगा, मैं इस कौन में भी हूँ, चेयरमैन हूँ, वो गरीबों को खाना खिलाने का काम करता है। काम तो ऊपर वाला करता है, हम तो एक जरिया हैं। आज कृष्ण जी को ले लीजिए, जो आनंद भगवान कृष्ण ने लिया है वो कोई दुनिया में ले नहीं सकता। उन्होंने ये माना किसी और ने लिखी है, मुझे तो एक रोल निभाना है, जितना अच्छा रोल निभाऊंगा उतना मुझे सेवा का। हम उनके चरणों की धूल बन जाए, महात्मा बुद्ध के, कृष्ण जी की, और सेवा का अवसर मिलता रहे, यही मेरा सभी को संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संभाजी झेंडे हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ पूना डिस्ट्रिक्ट में, हमारा पुरंदर करके एक तहसील है, वो तहसील से मैं बिलोंग करता हूँ। सारा मैंने जो एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब किया है पूरे महाराष्ट्र में किया है, नासिक में किया है, अहमदनगर में किया है, बॉम्बे में किया है, थाना में किया है, ये सब देखते हुए ने ये जो इतने बड़े हस्ती के नाम का पुरस्कार लेना, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम सुनते ही पूरी दुनिया को या पूरे भारतवर्ष को याद आता है कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को दिया है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ इतने सारे राज्य है, इतने सारे केंद्र शासित प्रदेश है, हर 50 किलोमीटर के बाद भाषा में चेंज आता है, 100 किलोमीटर के बाद स्टेट बदलता है, डिस्ट्रिक्ट बदलता है, सारे जाति धर्म को साथ में लेकर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना है कि सबको साथ में मिला है। और ज़्यादातर जो पिछड़े वर्ग थे 1947 में जो आजाद, उस समय के जो लोग जो सबको न्याय देने बाबा साहेब उनके ये माध्यम से कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने को मिला है, इसका पूरा श्रेय जाता है उस जमाने में जब हम एक गरीब देश थे। आज जहाँ तक प्रोग्रेस किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, सबको हर आदमी को सबको मालूम होगा कि एक टाइम था जब कुछ गिने चुने लोगों को था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया वो है कि हर 1 person 1 vote, वेदर यू आर अ पुअर और वेदर यू आर अ टाटा और अ बिरला, सबको एक वोट, 1 person 1 vote, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, उनके चरणों में मैं वंदन करके इस महान दिन के पर ये जो अवार्ड मिला है, एक बार फिर उनको नमन करता हूँ। धन्यवाद।